हरियाणा में कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर रखा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान मास्क लगाकर रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इंद्री में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिशा निर्देश आने के बाद सभी हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारी एवं डॉक्टर ने मास्क लगाकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर मरीज से एक मीटर की दूरी बनाकर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। इस अवसर पर इंद्री के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी दीपक गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय समय पर उनको निर्देश मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि यहां पर कोरोना वायरस का कोई भी संदिग्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश आए हैं कि मास्क लगाकर मरीजों की जांच की जाए व मरीजों की भो समझाया जाए कि यदि उन्हें जुकाम खांसी या इस तरह के कोई भी दिक्कत है तो वह जल्द ही सरकारी अस्पताल में आकर संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से अलर्ट है, जैसे कि कोरोना वायरस का महामारी फैलने की कई जगह पर देखी जा रही है? स्वास्थ्य विभाग अति सतर्क है, हमें हर प्रतिदिन इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हो रही हैं जिसके ऊपर हम अमल करते हैं। हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सभी हाई अलर्ट पे तैनात हैं। और कुछ अन्य बातें हैं जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जो कि बार बार एक ही मशीन पे अंगूठा लगाना था जिससे कि संक्रमण के चांसेस हो सकते हैं, वो बंद हो चुका। उसके अलावा हमारी डेली रिपोर्टिंग जा रही है, इस टाइप से हम अति सतर्क हैं। तो और क्या क्या हिदायतें आई हैं, तो किस प्रकार से पेशेंट को देखना है, क्या है? ऐसा यही आया है कि हमको जनरल एक IEC अवेयरनेस तो हम पब्लिक में कर ही रहे हैं। नंबर सेकंड, सारे कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ पर मास्क और अन्य सावधानी यहाँ पे बरत रहे हैं और हम अति सजग हैं। सावधानी यही बरतनी चाहिए कि हमें पुरानी परंपरा का सम्मान करना चाहिए। जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि हम नमस्कार करके एक दूसरे का अभिवादन करें, दर्शन भी देर हम नमन करके हाथों को जोड़कर, उसका लाभ ये होगा कि हम जब हाथ नहीं मिलाएंगे किसी से संपर्क स्थापित नहीं होएगा। वो एक नेचुरल बचाव है जो हमारी संस्कृति और हमारी पद्धति में है और यह अति आवश्यक है आज के संदर्भ में जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है। सेकंड, ये वायरस के जो एक इसकी यात्रा हो सकती है एक टाइम में, वो एक मीटर तक की दूरी के अंदर ये ज़्यादा नहीं जा सकता, तो हमें अपने पेशेंट से हमने ये किया है कि उनको एक मीटर तक की दूरी हमें आपस में रखनी है। उसके बाद इस वायरस का जहाँ तक अपना स्वभाव है कि ये किसी भी मेटल के स्थान पर 12 घंटे इसकी लाइफ बताई गई है, हाथ पर 2 घंटे का इसका लाइफ स्पैन बताया गया और कपड़े पर इसका लाइफ स्पैन 9 घंटे का बताया गया है। इन चीज़ों को देखते हुए और ये गर्मी में यदि तापमान 26 से लेकर 30 डिग्री तक है तो तब भी इसके लिए ठीक नहीं बताया गया, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि पेशेंट से या दूसरे इंसान से हमें दूरी बरतनी है, संपर्क में नहीं आना और अपने हाथों को स्पर्श करके स्वयं का स्पर्श अपने कान नाक मुंह से वो नहीं करना, उसमें बचाव करना है। इस प्रकार की सावधानियां अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो सर, कितनी OPD है आजकल और किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? OPD मेरी उतनी है जितनी स्वभाव से हर माह चलती थी, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। सीजन के हिसाब से और टाइम स्पेंड के हिसाब से मेरी उतनी OPD है, उसमें कम या ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। और मेरे पास अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसको सांस लेने में कोई तकलीफ हो, इस प्रकार का कोई लक्षण हो, ऐसा कोई केस नहीं हमारे पास है। तो किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? पेशेंट जनरल और OPD वाले आ रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.